नमस्कार, रीट 2016 का इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। अभी इसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। अंग्रेजी के पदों पे जानते हैं 826 पद बाकी हैं नॉन टीएसपी के, तो उस पर कट ऑफ क्या रहती है? ये अंग्रेजी 2016 लेवल 2 वालों की जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ है। जनरल की 65.88 और ओबीसी की 64.25, एमबीसी की 62.63 और एससी वालों की 60.35 और फीमेल के लिए 59.52 और एसटी वालों की थी ऑल सिलेक्टेड। ये 2016 इंग्लिश नॉन टीएसपी वालों का रीट पर रिजल्ट जो था उसमें मेरिट इस प्रकार रही थी। जनरल की 65.38, ओबीसी 63.67, एमबीसी वालों की 62.15 और एससी वालों की 59.84 और फीमेल 59.03 और एसटी ऑल सिलेक्टेड। ये जो रिवाइज रिजल्ट आया था 25/1/18 को और उसके बाद रीच पर रिजल्ट आया था 20/8/18 को, जिनमें से दोनों मेरिटों का अंतर था। रीच पर रिजल्ट जो आया था इसमें नए 741 कैंडिडेट को मौका मिला था। जनरल की 0.50 मेरिट टूटी थी और ओबीसी वालों की 0.58, एमबीसी वालों के 0.48 और एससी वालों के 0.51। इस प्रकार 741 पदों के लिए ये मेरिट टूटी थी। 741 पद जो आए थे यानी लास्ट कट ऑफ, ये तो इसमें जो मेरिट डाउन हुई थी 0.50 पे 211, 0.58 पे 394 नए कैंडिडेट आए थे और 0.48 कम हुई थी तो 20 आए थे, और एससी के 0.51 कम हुई थी तो 115 नए कैंडिडेट आए थे। अब हमारे पास कुल 826 कैंडिडेट हैं। 826 में किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट आएंगे? हम अमूमन यही मान लेते हैं अगर अबाउट इतने ही पद आपके हैं, 826 741 पे आए थे तो लगभग 80 पदों का अंतर है इसमें। 80 पद किस कैटेगरी के बढ़ते हैं, किसके घटते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अबाउट ये मान के चलिए कि हमारे पास अगर इतने ही पद होते हैं तो जनरल के लगभग 0.50 की मेरिट डाउन होती है, ओबीसी की लगभग 58 और एमबीसी की 0.48 और एससी की 0.51, यानी कि ये मेरिट जो ये कट ऑफ है इससे और डाउन होने की पूर्ण संभावना है। अगर पद किस कैटेगरी के ज़्यादा बढ़ते हैं ये समस्या है, तो किस कैटेगरी अगर ज़्यादा पद बढ़ेंगे तो उसके अनुसार कैटेगरी के कैंडिडेट बढ़ते हैं। जनरल की सीटें बढ़ती है तो एक पॉइंट पर लगभग 4 स्टूडेंट यहाँ पे है। जनरल के कैंडिडेट बढ़ते हैं तो एक पर 4 कैंडिडेट लगभग हमारे पास हैं, 0.50 घटी है, तो अगर सीट और बढ़ती है इनकी 50-40 तो यहाँ 0.5 या 10, 0.50 के बजाय 55 हो सकता है, और ओबीसी के सीट बढ़ते हैं तो 0.58 के बजाय 65 हो सकता है, और एससी के सीट अगर इससे और ज़्यादा मिलती है इनको तो 0.51 के बजाय 55 हो सकता है। तो ये एक अनुमान है। इस प्रकार हम जैसे पहले वेटिंग आ चुकी है और कट ऑफ आ चुकी है उसी के अनुसार चलते हैं। तो अबाउट ये मेरिट जो आपके सामने है इससे 5-10 पैसे आप ऊपर नीचे और ले सकते हैं। 0.50 के बजाय 55, 58 के बजाय 65 और 48 के बजाय आप कुछ और एससी की बजाय 0.51 की बजाय 55 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। ये आपकी किस्मत है किस कैटेगरी कितनी सीटें किसको मिलती है उस पर डिपेंड है, लेकिन लगभग अनुमान यही रहेगा। धन्यवाद।